भले ही हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी हो, राहत भले ही मेवाराम जैन को मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने और दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकेगा कि वाकई मेवाराम जैन मुश्किलों में फंस गए। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल जोधपुर में एक महिला की तरफ से मेवाराम जैन के खिलाफ मुकदमा दुष्कर्म का दर्ज करवाया गया था और कई धाराओं में मुकदमा मेवाराम जैन के खिलाफ दर्ज हुआ। इसमें दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया था। अब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट पहुंचे मेवाराम जैन, जहां से उनकी गिरफ्तारी पर तो फिलहाल रोक लगा दी गई, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको रेप पीड़िता का, दुष्कर्म पीड़िता का सीधा बयान सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। दरअसल सुन लीजिए, उसके बाद आपको आगे की पूरी कहानी बताते हैं। घणी हुई वो कर रही है, क्या हुआ फिर, कई घणी कर रही है, कई अत्याचार करे, कई डंडा डलावे, कई बंदूक रखे, वीडियो बनावे कि मोर खिलाफ बोलगी तो मार देंगे, बबरी वाला कांड होगा, काट के नहीं लाद देला, मतलब ऐड़ा ऐड़ा बोल लेवे, पकड़ पकड़। आपने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे में क्या कार्रवाई होती है? मुकदमा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज आप हाईकोर्ट आए तो यहाँ क्या मिला आपको? यहाँ मेरे को कुछ नहीं मिला, के चले जाओगे हम बाद में, 10 दिन के बाद देखेंगे। पुलिस सुरक्षा के ऑर्डर किए हैं? पुलिस ऑर्डर तो हुआ है। कोर्ट से न्याय नहीं मिला आपको? कोर्ट से न्याय नहीं मिला। तब आप क्या करेंगे? और अब यहाँ से नहीं मिला मैं और आगे जाऊँगी। तो ये मेवाराम जैन के अलावा भी और कोई लोग थे या वकील था? वकील था उसको, मेवाराम मैंने नहीं देखा, उसका वकील आया था बाद में से। तो ये वही दुष्कर्म पीड़िता थी जिन्होंने पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर आरोप लगाया था, न्याय की मांग की थी, और अब वो ये कह रही है कि हाईकोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला और वो आगे भी अपनी शिकायत लेकर जाएंगी, या वो इस बात का इशारा कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी उनको अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो मेवाराम जैन के खिलाफ और जो अन्य आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें दुष्कर्म की पीड़िता ने सामने रखी थी। दरअसल मेवाराम जैन, जिनको फिलहाल आंशिक राहत हाईकोर्ट से मिली है, अब एक पेनड्राइव का जिक्र हो रहा है। जिस तरह से कहते हैं कि तोते में जान अटकी होती है, उसी तरीके से मेवाराम जैन के लिए पेन ड्राइव कहीं तोता, वो तोता ना बन जाए जिसमें उनकी जान अटकी हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये मामला हुआ, जब दुष्कर्म पीड़िता पहली बार रामस्वरूप आचार्य, जो कि आरोपी हैं, उनके संपर्क में आई तो वो अपने पिता का इलाज कराने पचपदरा गई थी। वहां पर उनकी मुलाकात रामस्वरूप आचार्य से हुई और बहला फुसलाकर वो पीड़िता को एक होटल में ले गए, जहां पर नशीली दवाइयां खिलाकर उसके साथ रेप किया गया, वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद बदनामी का डर दिखाकर उसे लगातार वो होटल में ले जाते रहे, अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसका रेप करते रहे। और इसके साथ साथ पीड़िता का ये भी कहना है कि तत्कालीन विधायक मेवाराम जैन से रामस्वरूप आचार्य ने ही उनकी मुलाकात करवाई और उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही साथ वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म पीड़िता का तो यहां तक आरोप है कि उसकी सहेली के साथ भी पूर्व विधायक ने रेप किया है और कई और लड़कियों को मंगाने का दबाव भी रेप पीड़िता पर बनाते रहे। अब दो वीडियो की बात कही गई है दुष्कर्म पीड़िता की तरफ से, और ये दो वीडियो है कहां? पीड़िता ने बताया कि ये दो वीडियो एक पेनड्राइव में है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेनड्राइव किसके पास है? क्या इसी पेनड्राइव के सहारे लगातार जो आरोपी पक्ष हैं वो दबाव बनाकर दुष्कर्म पीड़िता का रेप करते रहे? और सालों से, चूंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या यहां पर मामला सत्ता के दबाव में पीड़िता की आवाज भी, माफ कीजिएगा, सत्ता की ताकत के सहारे पीड़िता की आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही थी क्या? और जब ये मामला चल रहा था, क्योंकि इस मामले में इससे पहले लेन देन की खबरें भी सामने आई थी, आपको याद होगा चुनावों से ठीक पहले इसी लेन देन को लेकर ईडी ने कार्रवाई मेवाराम जैन पर की थी। मेवाराम जैन उस वक्त भी कोर्ट पहुंचे थे और वहां से भी उनको राहत मिली थी। हालांकि कई इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी छानबीन होना
बेहद जरूरी है। अब देखते हैं, फिलहाल आंशिक राहत मेवाराम जैन को मिली है, लेकिन ये पेनड्राइव आखिर किसके पास है? पुलिस जब इस मामले में छानबीन करेगी तो क्या वो पेनड्राइव को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे? और पूछताछ में अगर वो पेनड्राइव सामने आती है तो क्या एक बार फिर मेवाराम जैन मुश्किलों में पड़ जाएंगे? इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।